तो जैसे टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 19 दिसंबर 2023 को बैंक निफ्टी निफ्टी किस तरह चल सकता है। फिर निफ्टी के ऊपर हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो भी दिया, लेकिन कोशिश करूंगा इसमें भी कुछ ना कुछ उसका पार्ट कवर करने का। अब आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से काफी दिनों बाद एक कंसोलिडेशन में रही मार्केट, और जो वीकेंड पर हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या बात की थी, उसमें यही बातचीत की गई थी कि अब क्योंकि एक्सट्रीमली ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो एक कंसोलिडेशन आ सकती है। शॉर्ट करने की गलती नहीं कीजिएगा, बिल्कुल क्लियरली लिखा भी गया था और बोला भी उसमें गया था उस वीडियो में। तो जिन्होंने शॉर्ट करने की गलती नहीं की होगी वो तो फिर भी आज संभल गए होंगे, बच गए होंगे, और जो शॉर्ट किए होंगे उनको कुछ मिला हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। और कंसोलिडेशन थी तो किसी को आज कुछ ज्यादा खास मिला भी नहीं है। आइए जरा देखते हैं कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें हमारी क्या बातचीत हुई थी। बातचीत ये हुई थी बैंक निफ्टी 48,022 के ऊपर ही बाय में आएंगे और 47,850 के नीचे सेल में आएंगे। तो मुझे लगता है 47,850 के नीचे एक बार हम गए भी 3:50 3:15 के बाद, 3:15 3:10 3:15 के बाद जाने का कोई बेनिफिट था नहीं, वहां पर हमको कुछ करना नहीं था। क्यों? 2:50 के बाद हम एज अ नॉर्म ट्रेड नहीं लेते हैं। तो 47,850 के नीचे सेल था वो करने का कोई फायदा नहीं था। 48,022, जी हाँ 48,022 की अगर बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 48,222। तो इसके ऊपर कोई भी अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लियर, दो कैंडल्स इसके ऊपर, तीन कैंडल्स, कोई भी तीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने में, 48,022 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब नहीं हुई, वहीं से ही रिजेक्शन हमको मिला है। और बार बार आप देख लीजिए 48,022 जो है वही एक बड़ा रेजिस्टेंस आज आपके सामने बनता हुआ दिखाई दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है। कंसोलिडेशन फेस में रहा है 48,022 और 47,860 65 के आसपास तक की मार्केट जो है उसी बीच में रहा, एक कंसोलिडेशन था और 275 अंक नीचे क्लोजिंग जरूर दी है। लास्ट में 47,850 भी टूटा, बट उसके टूटने का कोई वो नहीं है, रिकवरी हो गई और 47,867 के आसपास क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। ऐसा अक्सर देखा गया है जब भी बहुत बड़ी कोई भी हम लोगों को एक रैली मिलती है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन अक्सर आता ही है। अब दोस्तों आप अगर देखेंगे तो 48,068 पर ओपनिंग थी, 48,076 का वहीं पर हाई लगा और उसके बाद टूटा टूटा और ऐसे टूटा कि 47,806 तक शुरुआत में ही गया, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी की अपसाइड की ओर गया है और वही बात हुई कि क्लोजिंग हमको नीचे मिली है 47,867। और हैरान होंगे इतनी तेजी के बाद आज 12 के 12 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे, एक भी स्टॉक आज ग्रीन में क्लोज नहीं होने में कामयाब हुआ है। एयू बैंक सबसे ज्यादा पिट रहा था, आईसीआईसीआई बैंक भी। अब ध्यान आपको आईसीआईसीआई बैंक पर रखना पड़ेगा क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अगर और पिटा तो बैंक निफ्टी को दिक्कत कर देगा। इंडसइंड बैंक भी पिट रहा था, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक भी पिट ही रहे थे। फेडरल बैंक का असर कहीं ना कहीं आपको मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी पर भी आज देखने को जरूर मिला होगा, ये मिड कैप निफ्टी का भी पार्ट जरूर है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी पर क्या बातचीत हुई। निफ्टी पर बात हुई थी 21,435, 21,342, यहाँ पे लोगों को पैसा जरूर बना हुआ है। 21,435 से ऊपर जाता है बिल्कुल गया है, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ये देखिए 21,435 के ऊपर अगर जाता है तो हमारा 21,492 तक का टारगेट था। हालांकि 21,480 482 एक बार नहीं दो दो बार इसने टेस्ट किया और हिट भी किया 21,480 482, तो पैसा यहाँ पे बना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जब एक बार ये 21,435 टूट गया है तो फिर दिक्कत भरा सबब रहा। एक बार इसने 21,435 ने दोबारा से 2:30 बजे के करीब अपसाइड का मूव दिया, बट निफ्टी में रिलायंस जो था ग्रीन था, निफ्टी के रिलायंस ग्रीन होने के बावजूद भी हम लोग ऊपर क्लोजिंग देने में नाकामयाब रहे और हम लोग 21,400 को फिर से टेस्ट किया और 21,410 पर घूमते रहे और 21,418 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। अब एक दोस्त का फोन आया था, मैसेज आया था, माफ कीजिएगा फोन कह दिया, मैसेज आया था कि साहब रिलायंस ग्रीन में था फिर भी अपना निफ्टी 50 ग्रीन में क्यों नहीं गया। इसमें कोई शक नहीं, रिलायंस ग्रीन में था और रिलायंस बहुत बड़ा स्टॉक है, लेकिन बैंक्स आज साथ नहीं दे रहे थे निफ्टी का। अगर बैंकिंग साथ दे देता तो सोने पे सुहागा हो जाता और आज फिर से हम एक नए हाई की ओर चले जाते। लेकिन ठीक है, कंसोलिडेशन भी चाहिए, अगर कंसोलिडेशन नहीं होगा तो अपसाइड पे
मूव का क्या मजा। तो कंसोलिडेशन का फेज है, अच्छा है। कंसोलिडेशन मार्केट के अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छी चीज गिनते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी पर, निफ्टी के कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो दिक्कत दे रहे थे और कौन से थे तेज। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टॉप 5 में आपको रिलायंस भी दिख रहा होगा। जी हाँ, 1% तेज क्लोज हुआ है, 2520 रुपए पर क्लोज हुआ है। बजाज ऑटो भी तेज था, हिंडालको, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स तेज थे। वहीं पावर ग्रिड, अब आप देख लीजिए, सन फार्मा पे कल एक नेगेटिव न्यूज भी लोग कह रहे थे कि कोई नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी सन फार्मा 1.5% ऊपर आज क्लोज हुआ है। वहीं पिटने वाले स्टॉक्स में से थे पावर ग्रिड, आईटीसी, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील। मुझे कुछ और नहीं, मुझे सिर्फ अगर तंग कर रहा है वो ये कर रहा है, बैंकिंग का गिरावट में होना तंग कर रहा है। बैंकिंग का, खासतौर पे आईसीआईसीआई बैंक का रेड में 1.25% डाउन होना मार्केट के लिए तंगी का सबब नजर आता है। कल को फिनिफ्टी की एक्सपायरी है, मुझे यही लग रहा है कि फिनिफ्टी की एक्सपायरी का अच्छे मोड पर अपसाइड की ओर 2100 के ओर होनी तो चाहिए। बाकी तो अब क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा। ऑप्शन चेन का एनालिसिस मैंने दूसरे वीडियो में किया है, वो आप जरूर देख सकते हैं, जो कि एंड स्क्रीन में मैंने उसका लिंक भी दे दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक बार को कि किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी चल सकता है मंगलवार वाले दिन। तो मैं कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करूंगा, बस यही बोलूंगा कि कुछ एक चीजें चेंज कर रहा हूं। अब क्या चेंजेस हैं वो? अब ये चेंजेस हैं कि आपको बाय में कब आना है। आपको बाय में तभी आना है जब आप 48,075-76 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो बहुत, हो सकता है कि कल हम एक गैप अप ओपन हो जाएं और इसी 48,000 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया कि जब कंसोलिडेशन आती है तो उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि लोग शॉर्ट बनाने में तैयार हो जाते हैं, तो वहां से एक कंसोलिडेशन आए तो वहां से एक बार को अपसाइड का मूव, अगले दिन गैप अप होता देखा गया है। दोस्तों जब तक हम 48,076 के ऊपर नहीं जाते तब तक बाय नहीं करना, और 47,800 के नीचे हमको सेल करना है। 47,807 जो है आज का लेवल है लो का, उसके नीचे अगर हम सेल में आते हैं तो हमको लेवल क्या देखने को मिल सकता है? हमको लेवल देखने को मिल सकता है 47,747 का। 47,747 भी अगर टूटेगा तो दोस्तों हम लोग एक बार को 47,747 के बाद एक लेवल आता है हमारा 47,690, माफ कीजिएगा, 47,694 के करीब का एक लेवल हमारा यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो 47,807, 47,694, इसके बीच में 47, माफ कीजिएगा, आप यही लेवल रखिए, आप 47,807 के नीचे 47,694 ही लेवल रखिए। और अगर 47,694 टूटता है तो फिर हम एक अच्छी खासी, ये देख लीजिएगा कि एक बार 47,660 के करीब हमें, 660 के करीब फिर हमको मिल सकता है 47,567 के करीब एक लेवल। और अगर वो टूटता है तो 47,474 और फिर 47,300 तक के लेवल भी डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। दुआ यही करूंगा कि ऐसे लेवल्स ना आए। अब दोस्तों अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड की जब हम बात करते हैं तो 48,076 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो सीधे 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 जो लेवल्स हमको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 48,076 के बाद आपको मिलेगा 48,161, 48,161 के बाद 48,219, विच इज ऑल टाइम हाई अभी तक का। और अगर वो पार होता है तो सीधा 48,356 तक के लेवल्स हमको देखने में मिल सकते हैं बैंक निफ्टी पर। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की भी। दोस्तों निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं, निफ्टी 50 के लेवल्स लगा लेते हैं, आइए देखते हैं निफ्टी 50। अब याद रखिएगा कि आप 21,365, 21,365-366 के नीचे ही सेल में आएंगे। वहां से जो हमको लेवल मिलता है 21,365 के नीचे, 21,336 तक का एक 21,330 तक का एक लेवल मिल सकता है। 21,366 के नीचे गए तो 21,329, और अगर 21,329 भी टूट गया तो 21,290-293 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमको लेवल मिल सकता है 21,255-56 तक का डाउन साइड का लेवल। अब बात करते हैं अगर अपसाइड की, अपसाइड में हम कहाँ से बाय में आए और कहाँ से करें सेल, आइए जरा देख लेते हैं।
21482 21482 के अगर हम ऊपर साइड चलना स्टार्ट करते हैं तो वहां से हम बाय में आएंगे। अब 21500 एक रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक है ही नहीं। 21500 अगर ब्रीच होता है, 21500 सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। हालांकि कॉल राइटर्स भी वहां पे अपनी पकड़ बनाने में कामयाब आज बहुत तेजी से हुए हैं, बट मुझे लगता है कि वो एक बार कोई टूटा तो 21532, और 21532 टूटा तो 21573 21573 एंड आफ्टर दैट वी माइट बी एबल टू क्रॉस 21610। ये होंगे हमारे निफ्टी 50 के लिए 19 दिसंबर 2023 के लिए लेवल्स। दोस्तों ध्यान यही रखना है कि कल को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी कहीं ना कहीं बैंक्स पर निर्धारित आधारित और निर्धारित रहती है काफी कुछ, तो इसलिए बैंक्स पर कल को बना के रखनी है खास नजर। खास करके आपको ऐसे-ऐसे बैंक्स पर बना के रखनी होगी नजर, अगर ऐसे-ऐसे बैंक कमजोर हो गया तो मार्केट को ये कमजोर कर सकता है। ICICI, एक्सिस और HDFC, ये तीन बैंक्स पर नजर बना के रखिएगा, और क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी बड़े तखड़े मूव्स कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी कल के लिए स्ट्रैटेजी। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दिसंबर चल रहा है और अगले महीने हम लोग पुणे में कर रहे हैं सेमिनार, और पुणे सेमिनार के लिए संडे का सेमिनार होगा जनवरी में, जल्द ही तारीख दे दी जाएगी आपको। और पुणे में हम लोग जो सेमिनार कर रहे हैं उसका फीस रखा गया है 3000 रुपीज, जो भी आना चाहे रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोग्राम फुल डे का होगा और लंच का भी वहां पे अरेंजमेंट किया जाएगा। लर्निंग जो करना चाहे सीरियस लोग बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं, फोन पे पेटीएम या जी पे से पेमेंट कर सकते हैं 3000 रुपीज। फोन पे पेटीएम जी पे का नंबर है 7834876736, ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है मैंने। दोस्तों लास्ट जो पेज है उस पर फिन निफ्टी का जो कल का जो अपना व्यू है वो दे रखा है वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद यही कर रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और इसमें से जो भी कंटेंट हम लोगों को वीडियो में बनाते हैं इसको आप अकेडमिक तौर पे ही लीजिएगा, इसको बाय सेल की सलाह के तौर पे मत लीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार एंड गुड लक फॉर टुमारोज फिन निफ्टी एक्सपायरी। बाय बाय।